हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं एक बार फिर सी एजुकेशन के क्षेत्र में आपके साथ संजय जैन। आज आपके सामने मैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो लॉ से रिलेटेड यूज होती हैं और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं वो शब्दावली आपके सामने आज लेकर आया हूँ। आपने जनरली ये वर्ड सुने होंगे, लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्लीडर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट, बैरिस्टर, कहाँ पर वर्ड एडवोकेट यूज होना चाहिए, कहाँ पर वर्ड लॉयर यूज होना चाहिए, कहाँ पर वर्ड बैरिस्टर यूज होना चाहिए। आज मैं आपको इस कन्फ्यूजन से दूर करता हूँ और ये शब्दावली आपके बहुत काम की आएंगी। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर लॉ प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ही। इसके अलावा अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं भी जुड़े हुए हैं, एक आप आम आदमी हैं, तो भी आपके लिए इन शब्दों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा मानना है नॉलेज इज पावर, कि अगर आप में चीज़ों की नॉलेज है तो वो आपकी शक्ति बनती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन शब्दों का यूज, कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए। अभी तक हम लोग सिनोनिमस की तरह यूज करते हैं, आज के बाद आप इनका अंतर अच्छी तरह से जान पाएंगे। लॉयर, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉयर की। भारतीय कानून के हिसाब से जिसके पास भी एक लॉ की डिग्री है, जैसे हम LLB बोलते हैं, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जिन्हें भी ये मान्यता प्राप्त है, अगर LLB की डिग्री प्राप्त है तो आप बन जाते हैं लॉयर। दोबारे से ध्यान से सुनिए कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अगर आपको LLB की डिग्री मिल जाती है तो आप बन जाते हैं लॉयर। लेकिन लॉयर बनने के बाद भी अभी भी आप कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोर्ट में वकालत करनी है तो LLB के बाद आपको BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर आपको वो लाइसेंस मिल जाता है तो आप बन जाते हैं एडवोकेट। एडवोकेट जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिवक्ता, यानी कि आपको एक अधिकार प्राप्त है किसी के बिहाफ पर बोलने का। अगर आपको ये अधिकार चाहिए तो आपको LLB की डिग्री लेने के बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, और जब आपको ये लाइसेंस मिल जाता है तो आप बन जाते हैं एडवोकेट। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि हर एक एडवोकेट के लिए लॉयर होना ज़रूरी है, लेकिन हर एक लॉयर एडवोकेट हो, हर एक लॉयर वो एडवोकेसी कर सकता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो तभी कर सकता है जब उसे BCI का लाइसेंस प्राप्त होगा। अब हम तीसरी शब्दावली पर आते हैं, तीसरे वर्ड पर आते हैं, और उस वर्ड का नाम है बैरिस्टर। अगर आपको यही लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त है, अगर आपको यही लॉ की डिग्री, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट से LLB किया हुआ है तो आप बनते हैं लॉयर, और अगर आपको यही डिग्री इंग्लैंड गवर्नमेंट से प्राप्त है, तो आप बन जाते हैं बैरिस्टर। नेक्स्ट शब्दावली की तरफ हम चलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यही जो एडवोकेट है जिसे BCI से लाइसेंस प्राप्त है, अगर वो किसी भी पीड़ित व्यक्ति की का केस लड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट पक्ष लेती है किसी पीड़ित व्यक्ति का, गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक बंदा अपॉइंट करती है, तो वो वही एडवोकेट बन जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कई बार आपने सुना होगा सरकारी वकील, गवर्नमेंट लॉयर, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट लॉयर है उसका जो टेक्निकल नाम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर वो किसी भी पीड़ित व्यक्ति का गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है, और अगर वही एडवोकेट अगर प्राइवेट पक्ष की तरफ से केस लड़ता है तो वो बन जाता है प्लीडर। ध्यान से समझिए, अगर वही एडवोकेट गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है पीड़ित पक्ष के लिए, तो वो बन जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे हम
सरकारी वकील के नाम से भी जानते हैं, और अगर वही व्यक्ति वही एडवोकेट अगर प्राइवेट पक्ष की तरफ से केस लड़ता है तो वो बन जाता है प्लीडर। नेक्स्ट शब्द कोर्स है, नेक्स्ट शब्दावली है एडवोकेट जनरल। अगर वही एडवोकेट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वही एडवोकेट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई केस लड़ता है, यहाँ पर अब वो पीड़ित पक्ष का पक्ष नहीं ले रहा, स्टेट गवर्नमेंट के अपने भी केस होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर वही एडवोकेट अपना पक्ष रख रहा है तो वो बन जाता है एडवोकेट जनरल। वही व्यक्ति अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपना पक्ष रख रहा है, अगर वही व्यक्ति वही एडवोकेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपना पक्ष रखता है तो वो बन जाता है अटॉर्नी जनरल। और वही एडवोकेट अगर अटॉर्नी जनरल का, अगर वही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल का नीचे काम करता है तो वो बन जाता है सॉलिसिटर जनरल। तो ये कुछ अंतर थे जो इन शब्दावली में थे, जिनके लिए हर एक व्यक्ति, चाहे वो विधि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे वो लोक के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या नहीं, हर एक व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहता है, तो ये मैंने आज आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया। इसी तरह की वीडियो अगर आपको आगे भी मिलती रहें तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसे भी आप दबाइए, जिससे अलग अलग समय पर आपको डेली बेसिस पर नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।